मैं अभिषेक रंजन है और यह है रीजन इट जी के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे जेई मेन 2022 में मुझे केमिस्ट्री में 99.94% आए लाए थे और मेरे मार्क्स थे 90 आउट ऑफ 100। तो जैसे जानते होंगे कि केमिस्ट्री बहुत बच्चों को बहुत डरावना लगता है, बहुत बच्चों को बहुत सताता है। तो ऐसा क्या है केमिस्ट्री में और क्यों डरावना लगता है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बच्चे इसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। देखो केमिस्ट्री बहुत बच्चों को याद नहीं होता, बहुत इसे क्या कहते हैं मंदबुद्धि का सब्जेक्ट कहते हैं कि बहुत रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में सही से स्ट्रेटेजिकली फॉलो करते हो और काफ़ी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हो, लिमिटेड रिसोर्सेस को फॉलो करते हो, तो आपको भी काफ़ी अच्छा नंबर आ सकता है। मुझे भी केमिस्ट्री ऐसा कुछ पसंद नहीं था, मुझे मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, लेकिन क्या करेगा, केमिस्ट्री में अगर तुमको नंबर आएंगे तभी तुम्हारा रैंक आएगा और तभी तुम्हें भी कंप्यूटर साइंस या फिर जो रिलेटेड ब्रांच तुम्हें होगी तुम्हें डिजायर्ड कॉलेज में मिलेगी। तो देखो जैसे तुम लोगों को मालूम ही होगा कि केमिस्ट्री के तीन ब्रांचेज होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो जो तुम्हारे क्लास नोट्स हैं, जो भी तुम्हारे टीचर पढ़ाते होंगे रिस्पेक्टिव तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स में, तो क्लास नोट्स अच्छे से याद कर लो। देखो जो भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हो गए, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट हो गया, थर्मो केमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस हो गए, काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं और काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन याद है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी अपना अच्छा कर लो। देखो कोचिंग का मॉड्यूल जो भी हो उसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लो। पीवाई की आजकल तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो पीवाई को भी तुम काफ़ी अच्छा से सॉल्व कर लो, फॉर्मूला में उसी से ही क्लियर हो जाएंगे। और देखो आजकल जो ट्रेंड आया है ना कि लास्ट का जो 10 तुम्हारा इंटीजर है उसमें से 10 का 10 लगभग फिजिकल के ही रहते हैं, तो उसमें से तुम 5 तो आराम से कर ही सकते हो ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं। तो जो तुम्हें चैप्टर नहीं भी पसंद है तो तुम एक दो छोड़ भी सकते हो, तो उसमें से 10 में से 5 कर लो के काफ़ी सही रहेगा। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये काफ़ी डरावना होता है भाई, मेरे को भी काफ़ी मतलब बहुत मशक्कत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आई थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए तुमको वही अपने क्लास नोट्स पूरा अच्छे से याद करना चाहिए। देखो मैं क्लास नोट्स से बहुत इंफेसिस करता हूँ क्योंकि मैंने ना सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ा था, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं किया, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ा। और मेरे 90 मार्क्स आए थे जेई मेन में और लगभग 43-44 मार्क्स मेरे जेई एडवांस में भी थे 120 में। तो देखो अगर तुम क्लास नोट्स को काफ़ी अच्छे से कर लेते हो, अपने कोचिंग मटेरियल को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो, और साथ साथ ऑर्गेनिक में ना थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी और उसका जो कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ना वो कर लेना, उससे ना तुम्हारा जेई मेन भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना जेई मेन में देखते हो तुम एक लाइन से सीरीज ऑफ रिएक्शन देते हैं, तो वो तुमको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, फिर तुम्हारे बोर्ड्स में भी काफ़ी हेल्प हो जाएंगे, तो वो सब आराम से कर लेना, फिर ऑर्गेनिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, एनटीए अभ्यास पे जाना और केमिस्ट्री का टेस्ट देना, तो उसमें ना तुम ऑर्गेनिक वाला पार्ट कुछ अच्छा से कर लेना, उससे तुम्हारे ना कुछ नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आते हैं ऑर्गेनिक में, वो तुम्हारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तुम बस इतना कर लो, ऑर्गेनिक तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर है इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक ना बहुत बच्चे जेडीली करने लगते हैं, इधर उधर के बहुत सारे मतलब मटेरियल ले आते हैं और वो सब भी करने लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी फालतू होता है। अगर तुमको इनऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा से करना है तो एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छा से कर लो, फिर तुम ना पीवाई के जितने भी दिए हुए हैं सर्सन रीजन क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट करेक्शन क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से कर लो। जैसे कि तुम्हारा बहुत सारा चैप्टर्स हो गए, जैसे डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं मेरे हिसाब से। तो ये सब चैप्टर्स का अगर कर लेते हो तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये सब काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर और काफ़ी आसान चैप्टर है। पॉलीमर मतलब बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ये सब चैप्टर्स को ना काफ़ी आसान मतलब आसानी से एक दो दिन में किया जा सकता है, और बार बार अगर रिवाइज करोगे ना, जितना बार रिवाइज करते जाते हो उतना ही ज़्यादा ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनता जाएगा। तो इस सब को ना कोशिश करो कि अभी तुम्हारे पास 5 महीने हैं तो अभी से ही स्टार्ट कर दो ना, मतलब तुम जितना बार पढ़ते जाओगे ना तुम्हारे पास मतलब उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस सब चैप्टर्स में, और काफ़ी स्कोरिंग है तुम्हारा, 20-30 मार्क्स ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो मान लो अगर तुमको 99% आ रहे हैं ओवरऑल, तो अगर ये तुमको बढ़ा देते हैं तुमको 99.4 आ जाएगा। अब क्या है कि तुमको अगर वहाँ पर इसी मिल रहा होता, यहाँ पर तुमको सीएससी मिल जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मतलब 99% और 99.4% 99.5% काफ़ी आसानी से सब चैप्टर्स तुमको बढ़ा देंगे। तो बस तुम इतना ही फोकस करो, अपना कोचिंग मटेरियल को पूरा सॉल्व करो, क्लास नोट्स जितने भी हो बस उसको तुम कर लो ना, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हो जाएगा। कोई सिंगेज नहीं बनाने का जरूरत है, कोई भी इधर उधर की किताब बनाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू कर लो, सोने पर सुहागा है, और टाइम मिले तो एनसीईआरटी कर लो। ऑर्गेनिक मतलब फिजिकल के लिए तो टाइम मिलने की बात है, ऑर्गेनिक में भी कुछ हो तो वही हद तक, और इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी करो। मतलब इतना ही कर लोगे ना तुमको लगभग 80 मार्क्स तो आराम से ही आ जाएंगे, अगर तुम थोड़े इंटेलिजेंट होगे मतलब थोड़ा आईक्यू हाई होगा तो 90 मार्क्स भी आ जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जूनियर्स होंगे मेरे, ठीक ना, तुम्हारे तो नहीं होंगे, तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।